हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लास्ट लेक्चर में हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड ये वो टॉपिक है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो लेक्चर देख भी लिया होगा वैसे इस लेक्चर को देखने से पहले ना अगर आप 17 पार्ट जो लास्ट तो अच्छा पे मैंने टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का कर्व टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट ये सारे ही टॉपिक हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस किए हैं ठीक है बट लास्ट टर्न पे ये जो एवरेज कॉस्ट है ना ये रह गया था क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया था तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये लास्ट टर्न पे मैं नहीं कवर कर पाई थी तो ये मैं आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगी प्लस कुछ और एवरेज कॉस्ट तो तो का कर्व कैसे बनता है एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है इसका कर्व कैसे बनता है मार्जिनल कॉस्ट है इसका कर्व कैसा होता है और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे टॉपिक का ये जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम उसके बाद डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट यानी एसी एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट एंड टीसी ठीक है एसी एमसी एंड टीसी इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इनका ग्राफ कैसे बनता है एक ही ग्राफ में तीनों को अगर प्लॉट करना हो तो कैसे इनका बिहेवियर होता है ठीक है कैसे ग्राफ किस पॉइंट पे कौन सा ग्राफ किसको कट करता है ये ये सब डिटेल में पढ़ेंगे और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है चाहे एमसीक्यू की हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट से ठीक है तो इस लेक्चर को ध्यान से समझिएगा ठीक है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर के ओवर होने के बाद अगर आपको लगे कि आपने कुछ आज नया सीखा है कुछ नॉलेज गेन की है कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मेरे चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है जिसे मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है तो मेरा बस यही कहना है कि जरूर इनका फायदा उठाएं इनकी हेल्प से खुद भी पढ़ें और फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा ज्यादा शेयर करें ठीक है तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एवरेज कॉस्ट एवरेज कॉस्ट और उसका कर्व कैसा होता है तो वैसे एवरेज ये वर्ड तो हम शायद सेवेंथ एथ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एवरेज कॉस्ट ठीक है तो वहां पे हम एवरेज पढ़ते आ रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट क्या है एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट यानी एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने में जो खर्चा आ रहा है दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइडेड कर दी डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा एवरेज कॉस्ट एवरेज कॉस्ट क्या है टीसी डिवाइडेड बाय क्यू क्यू इज क्वांटिटी टीसी इज टोटल कॉस्ट तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट यानी एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने में जो खर्चा आ रहा है जो कॉस्ट इनकर हो रही है दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट ठीक और एवरेज कॉस्ट का एक दूसरा नाम भी है यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओके और एवरेज कॉस्ट के अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो चलिए ग्राफ बनाना शुरू करते हैं बट उससे पहले हम टेबल बना लेते हैं ठीक है एवरेज कॉस्ट की अगर मुझे टेबल बनानी है तो ये वैसे टेबल जो आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट की टेबल है ये मैं पिछले लेक्चर में यही टेबल मैंने बनाई थी अब हम इसी टेबल से एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे ये आउटपुट है आउटपुट जब जीरो था तो टोटल कॉस्ट कितनी थी टेन आउटपुट वन हुआ टोटल कॉस्ट हुई ट्वेंटी आउटपुट टू हुआ टोटल कॉस्ट हुई ट्वेंटी एट आउटपुट थ्री हुआ टोटल कॉस्ट हुई थर्टी फोर ठीक है तो ऐसे टोटल कॉस्ट वेरी कर रही है आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे टीसी डिवाइडेड बाई क्यू ये फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइडेड करिए डिवाइड करिए यानी टेन डिवाइड बाई जीरोड बाई फोर नाइन पॉइंट फाइव ऐसे करके आपका एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी और अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है तो क्या करेंगे एक्स एक्सिस पे प्लॉट करिए आउटपुट वाई एक्सिस पे प्लॉट करिए एवरेज कॉस्ट ठीक तो सबसे पहले टू है? है तो एवरेज कॉस्ट तो कितनी है फोर्टीन ये पॉइंट आ गया आउटपुट थ्री है एवरेज कॉस्ट क्या है इलेवन पॉइंट थ्री ये आ गया।, आ गया और ऐसे करके जब आप सारे पॉइंट प्लॉट करेंगे तो आपका कर्व कुछ ऐसा आएगा और ये कर्व आगे कुछ ऐसा जाएगा तो एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है ना दैट इज यू शेप कर्व एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसा होता है यू शेप कर्व होता है ठीक है तो एवरेज कॉस्ट समझ में आया एवरेज कॉस्ट क्या है वैसे एवरेज वर्ड पढ़ा हुआ है आपने ठीक है यहाँ पे क्या करना है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी दिस इज एवरेज यहाँ पे एवरेज कॉस्ट है ठीक अब ये जो एवरेज कॉस्ट है इसके दो कंपोनेंट होते हैं एवरेज कॉस्ट के दो कंपोनेंट होते हैं एवरेज फिक्स वेरिएबल कॉस्ट तो एवरेज कॉस्ट क्या है का होता है, है? ठीक? और average fixed cost पूछें कि average fixed cost क्या है? तो एवरेज फिक्स इज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी ये तो सिंपल सा है एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइडेड करिए तो आपका क्या आ जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट और अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट के कर्व की अगर हम बात करें ठीक है तो चलिए कर्व बनाना शुरू करते हैं पर उससे पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी हमने लिया आउटपुट और ये टोटल फिक्स कॉस्ट याद है ना पिछले लेक्चर में यही लिया था टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट क्या होती है वो कॉस्ट विच रिमेन फिक्स ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन यानी भले ही प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ आउटपुट बढ़ाते जाओ वो खर्चा जो फिक्स रहता है ठीक है उसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट तो एक यूनिट है तो भी फिक्स कॉस्ट बीस रुपए दो यूनिट का प्रोडक्शन है तो भी फिक्स कॉस्ट बीस रुपए तीन यूनिट पे भी बीस रुपए चार यूनिट पे भी बीस है. तो है तो क्या करें टी एफ सी डिवाइडेड बाई क्यू यानी ट्वेंटी डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी ट्वेंटी डिवाइड बाई टू टेन ट्वेंटी डिवाइड बाई थ्री सिक्स पॉइंट सिक्स ट्वेंटी डिवाइड बाई फोर फाइव ट्वेंटी डिवाइड बाई फाइव फोर ऐसे करके आप प्लॉट करेंगे ठीक है ऐसे करके आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा अब अगर इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं अब चलिए इन्हीं पॉइंट को इन्हीं टेबल को मैं ग्राफ पे प्लॉट करती हूं x एक्सिस पे प्लॉट किया आउटपुट y एक्सिस पे प्लॉट किया एएफसी ठीक और अब हम इसको प्लॉट करना शुरू करें जब आउटपुट 1 है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 20 आउटपुट टू है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी है टेन आउटपुट थ्री है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है सिक्स पॉइंट सिक्स अच्छा यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने फोर फोर का स्केल uh, ली है चार चार का गैप लिया है फोर फोर यूनिट का ठीक है जब आउटपुट फोर है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है फाइव ठीक है तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ ऐसा कर्व निकल करके आएगा एंड दिस कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये जो कर्व है ये क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये खास बात है एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व क्या है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप चेक कर सकते हैं आप पहले क्या की रही है टेबल बनाइए टेबल को जब प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो ऐसा कर्व आएगा और ऐसा कर्व क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला ये जो कर्व है ये कैसा है स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट ये राइट में क्या आ रहा है डाउनवर्ड स्लोप है ठीक तो है तो इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है यानी ए एफ सी क्या हो रहा है ए एफ सी घटता जा रहा है आउटपुट इंक्रीजेज जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है आप देखिए जैसे जैसे आउटपुट यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती जा रही है कम होती जा रही है ठीक लेकिन अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट होती क्या है ठीक है एवरेज फिक्स कॉस्ट इज टी एफ सी डिवाइड बाई क्यू ये फॉर्मुला मैंने बताया था और अगर मैं टी एफ सी की बात करूं टोटल फिक्स कॉस्ट तो ये तो कॉन्स्टेंट रहती है ना टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है कॉन्स्टेंट है देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट है ना यहाँ पे ट्वेंटी ट्वेंटी है तो टोटल फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट है तो देखिए ए एफ सी इंटू क्यू ए एफ सी को क्यू से मल्टीप्लाई करिए ए एफ सी इंटू क्यू क्या है ए एफ सी इंटू क्यू इज टी एफ सी एवरेज फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आता है टोटल फिक्स कॉस्ट आता है एंड टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है कांस्टेंट है ठीक है टोटल फिक्स कॉस्ट तो हम जानते हैं कांस्टेंट है चाहे एक यूनिट प्रोडक्शन करो दो यूनिट करो फिक्स कॉस्ट क्या है इट रिमेन फिक्स ठीक है तो ए एफ सी इंटू क्यू इक्व टू टी एफ सी ये बात समझ में आई ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है ए एफ सी इंटू ए एफ सी इंटू क्यूक्स टू टी एफ सी एंड विच इज कॉन्स्टेंट ये जो टी एफ सी है वो क्या है ये कॉन्स्टेंट है ठीक है एंड ए एफ सी इंटू देखो टी एफ सी कॉन्स्टेंट इसका मतलब क्या है एफ सी इंटू क्यूस टू कॉन्स्टेंट एक्व एफ सी मल्टीप्लाइडसी कॉन्स्टेंट है यानी टीएफसी कॉन्स्टेंट है यानी ए एफ सी इंटू क्यू ये बात समझ में आई टी एफ सी कॉन्स्टेंट है इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट है और ये कॉन्स्टेंट है इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये कॉन्स्टेंट है इसका मतलब कि एरिया अंडर द इज कॉन्स्टेंट यानी क्या है? AFC हमने पर किया है, Q पर किया? पर किया है? हमने पर किया 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 पे एरिया अंडर द कर्व इज कॉन्स्टेंट एरिया जो है अंडर द कर्व इज कॉन्स्टेंट एट ऑल द पॉइंट और ये कब होता है ये कब होता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला केस में ही होता है इसीलिए जो कर्व है दट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिस इज द रीजन ये रीजन है क्यों ये कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है क्योंकि ए एफ सी इंटू क्यू इज कॉन्स्टेंट और क्यू एएफसी इंटू क्यू कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये टी एफ सी के बराबर होता है और टी एफ सी कॉन्स्टेंट है इसलिए ये कॉन्स्टेंट है और ये कॉन्स्टेंट है इसका मतलब क्या है एरिया अंडर द कर्व इज कॉन्स्टेंट और एरिया अंडर द कर्व कॉन्स्टेंट किस कर्व में होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में होता है ठीक है अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा रिवाइंड रिवाइंड करके सुनिएगा ठीक है तो दिस इज द रीजन वाई इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरपोला ठीक आगे बढ़ते हैं अब मैं बताती हूँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताया था ना एवरेज कॉस्ट के दो कंपोनेंट एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट यानी एक आउटपुट प्रोड्यूस करने में वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉर्मूला क्या होगा फॉर्मूला होगा टीवीसी डिवाइडेड बाई क्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे टीवी डिवाइड बाई क्यू दिस इज द फॉर्मूला चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं आउटपुट का कॉलम लिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये मैंने पिछले लेक्चर में यही वाली टेबल बनाई थी टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम ले लिया ठीक है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो क्या करें टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते जाइए 10 को 1 से डिवाइड किया आया 10 18 को 2 से डिवाइड किया आया 9 24 को 3 से डिवाइड किया आया 8 28 को 4 से डिवाइड किया आया 7 32 को 5 से डिवाइड किया आया 6.4 ऐसे ही आप बनाते जाएंगे तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा ठीक है अब इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे x एक्सिस पे आउटपुट y एक्सिस पे एवीसी ठीक है 1 पे 1 पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है 10 टू पे कितना है नाइन थ्री पे कितना है एट फोर पे कितना है सेवन फाइव पे कितना है सिक्स पॉइंट फोर और ऐसी करके जब आप प्लॉट करते जाएंगे ना यू विल सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसा ये U -shaped आएगा ये यू शेप्ड आएगा एवरेज वेरिएबल ये मेरी पेन कहीं और चली गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसा आएगा यू शेप्ड ऐसा कर्व आएगा ठीक है ये यू यूशेप कर्व होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का अब ये यू शेप क्यों होता है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लास्ट लेक्चर में मैंने लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिटेल में बताया है ठीक है इवन एक सेपरेट वीडियो भी है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे तो रीजन क्या है क्यों यू शेप कर्व होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये भी बहुत पूछा जाता है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है इनिशियली इट फॉल्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली फॉल करती जाती है क्यों फॉल करती है बिकॉज ऑफ रिटर्न टू फैक्टर आर इंक्रीजिंग क्योंकि रिटर्न टू फैक्टर इंक्रीज करता है और उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है राइज करने लगती है क्यों बिकॉज रिटर्न टू फैक्टर आर डिक्रीजिंग ठीक है तो दिस इज द रीजन अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको एक ही ग्राफ में एसी एवीसी एंड ए एक ही ग्राफ में मैं शो करती हूँ हम जानते हैं एसी क्या है एसी इज द सम ऑफ ए एफ सी एंड एवीसी का सम है ए एफ सी क्या है एवरेज फिक्स कॉस्ट एवीसी क्या है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो एसी कर्व क्या होता है दिस इज द वर्टिकल समेशन ऑफ ए एफ सी एंड एवीसी का वर्टिकल समेशन होता है ठीक और ये जो एसी क्या है एसी का मैंने बताया था ना एसी इज यू शेप्ड कर्व ये जो एसी है ये कैसा कर्व होता है यू शेप्ड कर्व होता है एवीसी कैसा होता है यू शेप्ड कर्व होता है ठीक है और एफ सी क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिस इज यू यू दिस इज रेक्टेंगुलर तो ऐसा इनका कर्व बनता है ठीक है ये बात समझ में आ गई तो यही चीज मैंने लिखा है कि शॉर्ट रन में ए सी क्या होता है यू शेप कर्व होता है क्यों होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सेम रीजन है यहाँ पे जहां पे भी आपको यू शेप कर्व दिखे इसका रीजन सेम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इनिशियली ये फॉल क्यों करता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर फिर ये कॉन्स्टेंट क्यों हो जाता है बिकॉज बिकॉज ऑफ ऑफ रिटर्न रिटर्न टू टू फैक्टर फैक्टर फिर ये राइज क्यों करता है है डिमिनिशिंग ठीक तो दिस इज द रीजन तो ये इनका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में एवरेज कॉस्ट वगैरह पूछा जाए तो ये ग्राफ जरूर बनाइएगा ठीक है एग्जाम में वैसे कोशिश करनी चाहिए अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो जितने ज्यादा ज्यादा ग्राफ टेबल आप बना सके फ्लो चार्ट बना सके आपको बनानी चाहिए ठीक है और एमसीक्यूज में भी ये बहुत पूछा जाता है कि ए का ग्राफ क्या है कर्व कैसा शेप है ठीक है ए का क्या है एबीसी का क्या है तो वो पता होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बताती हूँ मार्जिनल कॉस्ट और उसका शेप क्या होता है तो सबसे पहले तो मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है वैसे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाया था याद है आपको मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ाया था एमयू पढ़ाया था मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा चुकी हूँ मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा चुकी हूँ वैसे मार्जिनल कॉस्ट मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ा चुकी हूँ बट ये इकोनॉमिक्स है चलिए एक बार फिर से बता रही हूँ बट सेम चीज होती है चेंज नहीं है सेम है मार्जिनल मतलब एडिशनल ठीक है एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने में जो खर्चा आता है ना दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ठीक है मार्जिनल यानी एडिशनल तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट यानी एक और यूनिट प्रोड्यूस करने में जो खर्चा आता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ठीक है या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं चेंज इन टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आता है जब एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस की जाती है तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ठीक है फॉर्मूला क्या है मार्जिनल कॉस्ट का एम सी एन इक्व टू मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है एमसीएन इक्व टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन टोटल कॉस्ट जब कॉमोडिटी दो कॉमोडिटी प्रोड्यूस की जाए माइनस टोटल कॉस्ट जब एक कॉमोडिटी प्रोड्यूस की जाए एंड मतलब नंबर ऑफ ठीक है तो दिस इज मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट कॉस्ट और और का एक और, मतलब फॉर्मूला क्या है डेल्टा टीसी डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू यानी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया डिवाइड बाई क्वांटिटी में कितना चेंज है ये जो डेल्टा है डेल्टा मतलब चेंज ठीक चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं बट ग्राफ बनाने से पहले टेबल बना लेते हैं ये हुआ आउटपुट का कॉलम ये हुआ टोटल कॉस्ट का कॉलम ये वही टेबल है जो पिछले स्लाइड में हमने यूज की है ठीक है जीरो पे ट्वेंटी है टोटल कॉस्ट वन पे थर्टी है टू पे थर्टी एट है थ्री पे फोर्टी फोर है ऐसे करके टोटल कॉस्ट है अब हमें निकालनी है मार्जिनल कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्ट पहले केस में तो डैश कुछ नहीं है ठीक है अगले जब एक यूनिट का प्रोडक्शन होता है तो देखिए टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है दस यूनिट का चेंज आ रहा है ना इसलिए टेन फिर जब दो दूसरे यूनिट का प्रोडक्शन होता है तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है आठ यूनिट का आ रहा है ना यानी आठ फिर जब तीसरे यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है छह यूनिट का यानी छ जब चौथी यूनिट प्रोड्यूस की जा रही है टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है चार यूनिट का यानी ये तो ऐसे करके टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है वेन वन एडिशनल यूनिट इज प्रोड्यूस तो वही होता है मार्जिनल कॉस्ट और ऐसे आप इसका मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेंगे निकाल लिया आपने अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आप देख रहे हैं पहले ये जो मार्जिनल कॉस्ट है क्या और ये घटती जा रही है इधर टेबल में देखिए मार्जिनल कॉस्ट घटती जा रही है उसके बाद बढ़ रही है यानी क्या है इट्स अ यू शेप कर्व ये जो मार्जिनल कॉस्ट है इसका भी यू शेप कर्व होता मार्जिन वाई एक्सिस पे हमने को प्लॉट किया और जब आप प्लॉट करेंगे आप देखेंगे यू शेप कर्व होता है मार्जिनल कॉस्ट का भी ठीक है अब ये यू शेप कर्व क्यों होता है कारण वही है फिर से कारण वही है क्या कारण है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ठीक है है ये जो मार्जिनल इसका कर्व कैसा होता है यू शेप कर्व होता है कारण क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ठीक है जब मैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था ये लॉ बहुत काम का है बहुत जगह यूज होगा और बहुत पूछा जाता है एग्जाम में प्रोडक्शन के टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ठीक है तो इनिशियली क्या है एमसी फॉल करता है क्यों फॉल करता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर फिर उसके बाद एमसी राइज करता है क्यों राइज करता है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर एंड एंड क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक है चलिए तो इस तरीके से एमसी का ग्राफ बनता है अब मैं आपको बताने जा रही हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है दैट इज रिलेशन बिटवीन ए सी एम सी टी सी बताया था ना स्टार्टिंग में इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था ए सी एमसी टीसी के बीच में रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ठीक है पहले चलिए हम एम सी और एसी के बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे फिर एम सी और टीसी के बीच में पढ़ेंगे ठीक है एम सी और ए सी अभी पढ़ते हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एसी एम सी मतलब मार्जिनल कॉस्ट ए सी मतलब एवरेज कॉस्ट ठीक वही वाला ग्राफ है वही वाली टेबल है जो पिछले हमने स्लाइड में यूज की है आउटपुट है टोटल कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट हमने पिछले उसमें कैलकुलेट किया ना वही है ये म, तो टोटल कॉस्ट दी है मार्जिनल कॉस्ट आपने निकाल ली एवरेज कॉस्ट भी वैसे निकाल सकते हैं ना एवरेज कॉस्ट क्या है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी 20 डिवाइड बाय 0 30 डिवाइड बाय 1 38 डिवाइड बाय 2 ऐसे करके एवरेज कॉस्ट भी आपने निकाल ली तो इस टेबल से अब आप टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ये आपने निकाला है अब इससे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ठीक तो पहले हम स्टडी कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन ए सी यानी ये वाला कॉलम ए सी एंड एम सी तो जब आप इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ये जो दोनों कॉलम है इनको जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कर्व कुछ ऐसा आएगा ये जो कर्व है ना कर्व कुछ ऐसा आएगा ए सी का कर्व क्या होगा यू शेप कर्व है एम सी का भी यू शेप कर्व है लेकिन ये थोड़ा सा इनका बिहेवियर अलग है क्या अलग है सबसे पहले जब ए सी फॉल कर रहा है ए सी देखिए ए सी जब फॉल कर रहा है तो एम सी क्या है नीचे है ए सी एम सी इज लोअर देन ए सी जब ए सी फॉल कर ध्यान से सुनेगा पहला पॉइंट क्या है जब ए सी फॉल कर रहा है देन एम सी इज लोअर एज कंपेयर टू ए सी एम सी लोअर है जब एसी फॉल कर रहा है तो एमसी लोअर है और जब एसी राइज कर रहा है तो एमसी अबव है एसी से ये बात समझ में आई जब ए सी फॉल कर रहा है एसी मतलब एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा है 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 तो का कर्व क्या लोअर और जब ए सी राइज कर रहा है तो एमसी का कर्व क्या है अब है. तो है? है. तो ये दो इम्पोर्टेंट रिलेशन है उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है कि एम सी कट द ए सी एट इट्स लोअर पॉइंट ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एम सी एसी को किस पॉइंट पे कट करता है ये कट करता है एट इट्स लोएस्ट पॉइंट ए सी का लोएस्ट पॉइंट है पॉइंट ई e, और इसी पॉइंट पे एमसी ए सी को कट करता है ठीक है इज वो मिनिमम पॉइंट 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 पे 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 होता होता है है e और उस AC, MC बराबर यानी एम सी कट करता है ए सी को किस पॉइंट पे एट इट्स लोएस्ट पॉइंट ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट uh, है इस ग्राफ का की एमसी ए सी को लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है ये ए सी का लोएस्ट पॉइंट है ठीक है तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए सी एंड एमसी अब मैं टीसी और एमसी के बीच में रिलेशनशिप बताऊंगी हम जानते हैं फॉर्मुला तो जानते हैं टीसी और एमसी के बीच में रिलेशनशिप कि एम सी एन इक्व टू टीसीएन माइनस टी सी एन माइनस वन या एक और भी है एमसी का फॉर्मूला डेल्टा एम सी डेल्टा टी सी एम सी इक्वस टू क्या है डेल्टा टी सी बाई डेल्टा क्यू ये भी एक रिलेशनशिप है ठीक है हमने टीसी का कर्व देखा था क्या होता है इनवर्स एस शेप कर्व ये होता है ना टीसी का कर्व क्या था ये बताया था आपको एमसी का कर्व यू शेप कर्व होता है ठीक है एमसी का कर्व क्या है यू शेप कर्व है ये देखिए बना है ठीक है एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी प्लॉट की और वाई एक्सिस पे हमने मार्जिनल कॉस्ट और यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्लॉट किया तो अब देखिए यहाँ पे खास बात कि वेन एमसी इज डिमिनिशिंग यानी जब एम सी फॉल कर रहा है व्हेन एम सी इज डिमिनिशिंग तब उस समय क्या है टीसी इंक्रीज कर रहा है लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट जब MC फॉल कर रहा है तो उस समय टीसी इंक्रीज कर रहा है बट एट डिमिनिशिंग रेट और जब MC राइज कर रहा है जब MC बढ़ रहा है तो उस समय टीसी इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट ये बात समझे जब MC राइज कर रहा है टीसी इंक्रीज कर रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट ठीक एंड जिस पॉइंट पे एमसी तीसरा पॉइंट क्या है इसमें खास बात कि जिस पॉइंट पे MC लोएस्ट है उस पॉइंट पे TC जो है इंक्रीज करना डिक्रीजिंग रेट स्टॉप करता है फिर से बोल रही हूं जिस पॉइंट पे एमसी लोएस्ट है लोएस्ट पॉइंट ऑफ MC पे क्या होता है TC जो है राइज करना एट डिमिनिशिंग रेट स्टॉप करता है और उसके आगे टी राइज करता है एट इंक्रीजिंग रेट ठीक है तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीसी और एमसी के बीच में रिलेशन के ठीक अब जरा एक मैं आपको ग्राफ बताने जा रही हूँ कंफ्यूज बहुत ज्यादा मत होइएगा अभी मैं सब रिवाइज भी करवा दूंगी लास्ट स्लाइड में ठीक है एक अब मैं ग्राफ बताने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट है एसी एम सी और एसी के दो कंपोनेंट है एवरेज कॉस्ट के दो कंपोनेंट है ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट इन सबको मैं एक ग्राफ में शो करने जा रही हूँ ठीक है देखिये एवरेज कॉस्ट का कर्व क्या होता है यू शेप होता है ये बनेगा ऐसे मार्जिनल कॉस्ट का कर्व क्या होता है ये होता है ये बना ऐसे एवरेज कॉस्ट क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपर बोला ठीक ये हुआ एबीसी का कर्व क्या होता है ये भी शेप होता है ये ऐसे बनेगा ठीक है तो ये तीनों है शेप ये है रेक्टेंगुलर हाइपर बोला ठीक ये बन गया आपका कर्व अब इसका कुछ यहाँ पे कुछ बिहेवियर देखने को मिलता है कुछ इंटरप्रिटेशन है कुछ इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है जो मैं बताने जा रही हूँ ध्यान से समझिएगा जो एम सी है मार्जिनल कॉस्ट ये जो मार्जिनल कॉस्ट है हमने ये तो पढ़ लिया कि दिस एम सी कर्व कट द एसी कर्व एट इट्स लोएस्ट पॉइंट ठीक है तो ये जो एम सी कर्व है केवल ए सी ही नहीं ए बी सी को भी लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है ठीक है फिर से बोल रही हूं ये जो एम सी कर्व है मार्जल कॉस्ट ये केवल AC को ही नहीं एवीसी को भी लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एम सी कट करता है केवल AC को ही नहीं AC का तो हमने पिछले उसमें पढ़ लिया एवीसी को भी लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है ठीक है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जब ए सी डिक्लाइन करता है ये क्या है एसी जब डिक्लाइन कर रहा है तो एमसी भी बिलो एसी कर् होता है और जब ए सी राइज कर रहा होता है एसी जब बढ़ रहा होता है तो एम सी का कर्व क्या होता है द अबी कर्व ये तो मैंने पहले भी बताया ठीक है ठीके? उसके बाद क्योंकि एमसी ज्यादा फास्ट रेट से डिक्लाइन कर रहा होता है क्योंकि ये जो एम है ये जो एम है ज्यादा फास्ट रेट से डिक्लाइन कर रहा होता है इसलिए क्या है एमसी का जो लोएस्ट पॉइंट है वो एसी के लोएस्ट पॉइंट से पहले आता है ये खास बात है ठीक है क्योंकि एमसी फास्टर रेट से डिक्लाइन कर रहा होता है इसलिए एमसी का जो लोएस्ट पॉइंट है ये देखिए एमसी का लोएस्ट पॉइंट ये है एसी का लोएस्ट पॉइंट ये है ठीक है क्योंकि एमसी फास्टर रेट से डिक्लाइन कर रहा होता है इसलिए एमसी का लोएस्ट कर्व लोएस्ट पॉइंट पहले आता है एज कंपेयर टू ए ठीक है तो दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और फिर वही इसमें लिखा हुआ है कि एसी को एमसी कट करता है एसी को लोएस्ट पॉइंट पे ये तो पता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ग्राफ के तो अगर आपको एक ही ग्राफ में इन सारे पॉइंट को प्लॉट करना हो ना तो आप ऐसे प्लॉट करेंगे ठीक है चलिए अब मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ बहुत सारे ग्राफ हमने पढ़ लिए इसमें कंफ्यूज एकदम नहीं होना है चलिए रिवाइज करा देती हूँ सबसे पहले हमने टोटल कॉस्ट का टोटल वेरिएबल कॉस्ट का टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ देखा टोटल सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ क्या होता है इनवर्स इनवर्स एस एस शेप शेप ग्राफ ग्राफ ऐसा होता है. Inverse S ग्राफ होता है और total fixed cost होता है और टोटल कॉस्ट क्या होती है है हमेशा रहती इसलिए इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनता है ग्राफ और टोटल कॉस्ट क्या होती है टोटल कॉस्ट इज सेम एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल होती है क्यों पैरेलल होती है क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस टीएफसी होता है जो कॉन्स्टेंट है तो ऐसा बनता है तो ये हो गया टोटल कॉस्ट का ग्राफ अब इसमें एवरेज कॉस्ट की बात करें तो एवरेज कॉस्ट का कर्व कैसा होता है यू शेप कर्व होता है ठीक है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है ये भी यू शेप होता है लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व क्या होता है बताइए क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये यू शेप ये यू शेप ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये इनवर्स एस शेप ये भी इनवर्स एस शेप ठीक फिर उसके बाद ये जो मार्जिनल कॉस्ट है इसका ग्राफ क्या होता है यू शेप होता है ठीक तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमने रिवाइज कर लिया सारे ग्राफ हमें लर्न हो गए ठीक है तो बहुत आसान है कंफ्यूज मत होइएगा ज्यादा दिक्कत हो तो टेबल बना लीजिए और टेबल से फिर ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस कॉस्ट का कैसा ग्राफ बनता है ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट द होल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये था पूरा कॉस्ट के कॉन्सेप्ट का पूरा टॉपिक इसी के साथ ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट खत्म होता है और अब मैं अगले टर्न पे स्टार्ट करूंगी रेवेन्यू का टॉपिक ठीक है तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ मिलते हैं अगले लेक्चर में और अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा ठीक है एक एक लेक्चर बनाने में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं बहुत एफर्ट लगता है पीपीटी बनाना रिकॉर्ड करना अपलोड करना तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए कमेंट किया करिए ठीक है इससे हमें मोटिवेशन मिलता है तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी रेवेन्यू ठीक तो गॉड ब्लेस यू सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर